ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस समय आप देख रहे हैं बात मन की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि अक्सर हमारे घर के मंदिर की प्रतिमाएं या मंदिर की ही प्रतिमाएं खंडित हो जाती हैं, मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। किसी प्रतिमा की उंगली टूट जाती है तो किसी प्रतिमा की आंखें निकल जाती हैं, और फिर हम पूछते रहते हैं कि इन प्रतिमाओं का, इन मूर्तियों का क्या करें। तो ग्रंथ के अनुसार हम एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे ना तो मूर्ति या प्रतिमा खंडित होगी, ना तो चिटकेगी। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी कि खंडित प्रतिमा या मूर्ति की पूजा ना करें, क्योंकि खंडित मूर्ति प्रतिमा की पूजा करने से दोष तो लगता ही है। तो इन प्रतिमाओं या मूर्तियों का क्या करें? तो खंडित प्रतिमाओं या मूर्तियों को घर से बाहर ले जाकर किसी नदी आदि में प्रवाहित कर दीजिए, और भविष्य में कभी भी मंदिर की घर की प्रतिमाएं खंडित ना हो, टूटे ना, चिटके ना, तो इसके लिए आप किसी पात्र में लोटा या गिलास में पानी भरकर अपने घर के मंदिर में 24 घंटे जरूर रखें। जब हम किसी पात्र में पानी भरकर अपने घर के पूजा स्थल मंदिर में रखते हैं तो इस जल की इतनी बड़ी महिमा है कि इस जल के द्वारा प्रतिमाएं ना तो खंडित होती हैं, ना तो चिटकती हैं, ना तो टूटती हैं। जो प्रतिमाओं के अंदर गर्मी होती है वो ये जल उन प्रतिमाओं को शीतलता देता रहता है। इसीलिए आप प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में देखते होंगे कि वहां पुजारी जी किसी एक पात्र में 2400 घंटे जल भरकर जरूर रखते हैं। और जब भी आप अपने पूजा स्थल में किसी भी पात्र में पानी रखें तो अपने बाएं हाथ की तरफ ही वो जल का पात्र रखें। अब उस जल का हम क्या करेंगे बाद में? तो मान लो आपने जैसे आज सुबह जल रखा और दूसरे दिन जैसे आप भगवान के बर्तन साफ करते हैं तो उस जल को भी आप किसी पेड़ में डाल दीजिए, और फिर पूजा करने के बाद फिर से उसी पात्र में जल भरकर रख दीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी मंदिर की प्रतिमाएं बिल्कुल भी खंडित नहीं होंगी और पूजा में आपको खुशी ही खुशी मिलेगी। और आप कभी ये भी अनुभव करके देखना कि आपके मंदिर की प्रतिमाओं में कितनी सौम्यता दिख रही है। ऐसा करने से ऐसा लग रहा होगा कि वो प्रतिमाएं हमसे बात कर रही हैं, ऐसा लगेगा कि वो प्रतिमाएं हमें देखकर मुस्कुरा रही हैं, हमें देख रही हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खाली बर्तन शुभ नहीं होता, तो बेहतर होगा कि आप किसी लोटे या गिलास में जल भरकर मंदिर में जरूर रखें। ऐसा हर घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए, और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। हर हर महादेव।